हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज हम आपके पास एमसीक्यू ऑन अकाउंटिंग पार्ट 10 लेकर आए हैं। अभी तक हमने 9 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, आज इसका 10th पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की जो सीरीज होने वाली है वो स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। आज की इस सीरीज में हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जहां पे हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि यहाँ पर इनफ्लो ऑफ फंड्स है या आउटफ्लो ऑफ फंड्स है या फिर नो फ्लो ऑफ फंड्स है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास फ्लो के रिलेटेड क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो आज की इस सीरीज में हमने कवर किए हैं। अलोंग विद दिस हमने ये भी कवर करा है कि कौन सी ऐसे टिपिकल आइटम्स हैं जो आपको प्रॉब्लम आती है कि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर होंगी, ऑपरेटिंग के अंडर होंगी या फिर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर होंगी। ये तीन काइंड की एक्टिविटी हम कैश फ्लो में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स रहती हैं जहां पे ऑलवेज कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये कौन सी काइंड की एक्टिविटी के अंडर आएगी। तो ये सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए चलिए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो फाइनेंस कंपनी के लिए, स्पेशली यहाँ पे हाईलाइट जो करा गया है वो करा गया है फाइनेंस कंपनी। तो फाइनेंस कंपनी के लिए ये कौन सी काइंड की एक्टिविटी होती है? क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा या इनमें से कोई भी नहीं? देखिए, फाइनेंसिंग फर्म्स जो रहती हैं उनका मेन जो ट्रेडिंग होती है वो किस में होती है? फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग बॉन्ड्स में ही उनकी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। तो ये जो इंटरेस्ट पे करना या रिसीव्ड करना, ये इनके लिए एक क्या रहती है, ऑपरेटिंग फंक्शन रहता है, डे टू डे फंक्शनिंग रहती है कि इंटरेस्ट किसी को देना है या किसी से इंटरेस्ट लेना है। तो इनके लिए तो यही ही एक काइंड की क्या, गुड होती है। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए, स्पेशली फाइनेंसिंग फर्म के लिए जो हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो रहेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। तो ऑप्शन बी आपके पास आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव्ड क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कमीशन या रॉयल्टी मिलना, यहाँ पे हमने इसको किसके अंडर किया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। ठीक है, किसी के लिए कमीशन या रॉयल्टी जो है वो मिल रही है उसको, तो वो उसकी डे टू डे एक्टिविटी के अंडर आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर अ रियल इस्टेट फर्म। देखिए यहाँ पे अगेन जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो रहने वाला है रियल इस्टेट फर्म। तो रियल इस्टेट जो फर्म्स होती हैं उनके लिए जो सेल ऑफ बिल्डिंग है वो क्या रहेगी, क्या वो इन्वेस्टिंग रहेगी, ऑपरेटिंग रहेगी, फाइनेंसिंग रहेगी या नन ऑफ द अबव। तो देखिए उनका डे टू डे काम ही किस में है, सेल एंड परचेज, है ना। तो यहाँ पे उनका डे टू डे ऑपरेशन है, इसलिए आंसर जो है वो आपके पास बी रहेगा। बट अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये रियल इस्टेट वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो हटा दूं और आपके पास क्वेश्चन बन जाए, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी, तब इसका आंसर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आने वाला है, ऑपरेटिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट
पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी। देखिए अगेन हम स्पेशल काइंड का यहाँ केस ले रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड बाय अ फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और नन ऑफ द अबव। अब हम इस पॉइंट को पहले ही क्लियर आपसे कर चुके हैं कि जो फाइनेंसिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, उसके लिए इंटरेस्ट की पेमेंट या रिसिप्ट जो है वो रहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड पेड बाय अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब डिविडेंड देना है जी, उसने किसने देना है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, तो वो कौन सी एक्टिविटी के अंडर आएगा, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने मे बी अपने कुछ क्या दिए होंगे, शेयर्स इश्यू करे होंगे, तो उस पे उसको क्या देना है, डिविडेंड पे करना है। तो इसलिए ये किसके अंडर जाने वाला है, सी ऑप्शन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर ये कंसीडर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर वुड रिजल्ट इनटू। जो हम डिस्काउंट रिसीव्ड करते हैं जब हमने अपने सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, तो उससे क्या इनफ्लो ऑफ कैश होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश होएगा या नो फ्लो ऑफ कैश होएगा या नन ऑफ द अबव होएगा। देखिए डिस्काउंट जो है उसमें कोई भी कैश की मूवमेंट नहीं होती। अगर 100 रुपए की चीज आपको 90 में मिल रही है तो यहाँ 10 जो कम मिले हैं आपको, उसमें ये बात नहीं है कि इसमें इनफ्लो या आउटफ्लो आपका कैश का हो रहा है, वो तो एक प्राइस है कि मेरे को 90 रुपीज की चीज मिल गई। तो यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो सी रहने वाला है, नो फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ फिक्स एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट वुड रिजल्ट इनटू। आपने कोई फिक्स एसेट परचेज करी है लेकिन उसकी जो पेमेंट करनी है वो सॉरी लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट करनी है, मतलब अभी नहीं करनी है, थोड़े टाइम के बाद और आराम से पेमेंट करनी है, तो इस केस में इनफ्लो ऑफ कैश होने वाला है, आउटफ्लो ऑफ कैश होने वाला है या नो फ्लो ऑफ कैश होने वाला है या इनमें से कुछ भी नहीं। तो देखिए अभी के टाइम पे उसको कोई भी पेमेंट जो है नहीं करनी है, आप उसको आने वाले टाइम में पेमेंट करेंगे वो भी डेफर्ड सिस्टम पे। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आपके पास आएगा सी, नो फ्लो ऑफ कैश। चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट वुड रिजल्ट इनटू इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, नन ऑफ द अबव। अगेन डिस्काउंट जैसा एक ये एलिमेंट रहता है आपके पास डेप्रिसिएशन, जैसे डिस्काउंट में भी कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन में भी कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता, जस्ट आपकी फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो डाउन होती रहती है ड्यू टू वियर एंड टियर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो इसका आने वाला है वो सी आने वाला है, नो फ्लो ऑफ कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिविडेंड रिसीव्ड कंसीडर एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर विच काइंड ऑफ फर्म्स। अगर अभी तक आपने मेरा जो लेक्चर आराम से सुना है तो इसका आंसर आप डेफिनेटली दे सकते हैं कि जो डिविडेंड रिसीव्ड है यहाँ पे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस काइंड की फर्म के लिए बनकर आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, फाइनेंसिंग कंसर्न और नन ऑफ द अबव। तो आंसर इसका रहेगा आपके पास सी, फाइनेंसिंग कंसर्न। टेंथ पार्ट है इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर टू द वेंडर फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹1,00,000 वुड रिजल्ट इनटू। कोई आपके पास वेंडर है जिसने क्या करा है, 10% आपके डिबेंचर जो हैं वो फ्लोट करे हैं, ठीक है, बट
आपने फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी और उसके कंसिडरेशन में क्या कर लिया है, मशीनरी बाय कर ली है, आपको मशीनरी मिल गई है और कंसिडरेशन में आपने 10% के डिबेंचर दे दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं क्या इनसे इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, नो फ्लो ऑफ फंड्स होएगा, इधर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड होएगा। अगर देखिए यहाँ पे 10 मशीनरी आई है, बाइंग ऑफ मशीनरी, और आउटफ्लो हुआ है डिबेंचर का, कहीं पे भी कैश जो है वो नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर निकल कर आना है वो आपके पास आना है नो फ्लो ऑफ फंड, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ वुड रिजल्ट इनटू, ओल्ड फर्नीचर हमने राइट ऑफ कर दिया अपनी बुक्स में से, ठीक है, डेप्रिशिएट 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 होता गया और लास्ट में जाके हमने उसको रिटर्न ऑफ ही कर दिया। तो इससे क्या इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, नो फ्लो ऑफ फंड होगा और इधर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड्स होगा। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो रहेगा सी, नो फ्लो ऑफ फंड्स। रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कंसीडर अंडर विच एक्टिविटी, जो रिफंड ऑफ टैक्स रिसीव्ड है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंडर किस एक्टिविटी के अंडर आता है, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहने वाला है बी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्लरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड वुड रिजल्ट इनटू, देखिए ये आराम से आप पढ़ा करिए, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है डेक्लरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, तो सिर्फ यहाँ पे फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करा गया है बोर्ड मीटिंग में और कोई भी पेमेंट की वर्ड नहीं यूज करा गया, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करा गया कि हम इतना आने वाले टाइम में फाइनल डिविडेंड पे आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या ये इनफ्लो होने वाला है, आउटफ्लो होने वाला है, नो फ्लो ऑफ कैश इधर ए और बी। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे बोला है कोई भी फ्लो ऑफ फंड्स नहीं हो रहा है, तो आंसर रहने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी एट पार वुड रिजल्ट इनटू, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, नो फ्लो ऑफ कैश, नन ऑफ अबव। अब देखिए वो बोल रहा है कि आपने मार्केट में सेल कर दिया मार्केटेबल सिक्योरिटीज को, ठीक है। अब जब मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेल हुई तो आया क्या, कैश प्लस हुआ, माइनस क्या हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ना वो आपकी फर्म से बाहर चली गई हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो हम कैश के इक्विवेलेंट किस किस को लेते हैं, कैश के इक्विवेलेंट एक तो कैश इटसेल्फ हो जाता है, सेकंड हमारे पास हो जाता है बैंक बैलेंस, उसको भी हम कैश में लेते हैं, और थर्ड हमारे पास होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी हम किसके इक्विवेलेंट लेते हैं, कैश के इक्विवेलेंट लेते हैं। तो वो कह रहा है कैश गया, कैश आया, तो रिजल्ट इफेक्ट क्या आया आपके पास, निल। तो यहाँ पे आंसर रहेगा नो फ्लो ऑफ कैश। पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर शेयर ऑफ अनदर कंपनी बाय अ ट्रेडिंग कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच एक्टिविटी, आपने पेमेंट करी है कैश की किसी दूसरी कंपनी के शेयर लेने के लिए, ये पेमेंट करी गई है ट्रेडिंग कंपनी के लिए, तो यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग होने वाली है या इनमें से कोई भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास आपने पेमेंट करी है किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, तो इट मींस आपने क्या कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी है ना, इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये वाला सी आंसर आपका आने वाला है कि ये होने वाली है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होप करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमने वो सारी डिफिकल्ट टर्म्स को क्लियर करने की ट्राई करा है जो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पे नए